रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम सब्जी दाल मसाले इन सब को टटोले हम रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम सब्जी दाल मसाले इन सबकोट डोले हम रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम रसोई के रहस्य नमस्कार वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रसोई के रहस्य हमारा पिछला एपिसोड जो था हमने देखा कि कुकिंग मेथड्स कौन से कौन से हैं प्रक्रियाएं कौन सी हैं कौन से अलग अलग तरीके हैं उनके टर्म्स उनको क्या बोला जाता है और उनके मतलब क्या है हमने वो सब जाना एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग अब इसके आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी अगले आने वाले एपिसोड्स में वो भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि जो आपने कलरनरी टर्म्स अब तक सीखे हैं मैं अब उनको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी थोड़ा डिटेल में सो so, आज का जो है एपिसोड वो है ब्लांचिंग यहाँ पर ब्लांचिंग जब मैं कहती हूँ मुझे फिर से सकीना जी की याद आ जाती है क्योंकि जब मैंने कलिनरी टर्म्स करे थे तो सकीना जी ब्लांचिंग सुन के खूब हंसी थी कहती है ये तो क्या वर्ड है मैडम मैंने तो आज तक कभी ये वर्ड ही नहीं सुना करके खूब खिलखिला कर हंसी थी तो आज फिर उनको याद करते हुए ये एपिसोड में शुरू करने जा रही हूँ सो ब्लांचिंग इज द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन जो सब्जियों पे किया जाता है हर सब्जी पे नहीं होता कई सब्जियों पे होता है इट्स द मोस्ट यू you नो know, सबसे जो शुरुआत में करी जानी वाली चीज़ें हैं उनमें से एक है बट इट इज़ अ साइंस इट्स एक्सट्रीमली साइंटिफिक और इसका सब कुछ बहुत ही टाइम uh, बाउंड और एक्टिविटी uh, बाउंड होता है तो इसके कुछ रूल्स हैं मैं वो रूल्स आपको समझाऊंगी। इट्स इसेंशियल टू फॉलो दीज रूल्स क्योंकि ये रूल्स को फॉलो कर कर ही हम जो सब्जियों का एंड रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल सकता है सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है ब्लंचिंग का मतलब होता है कि आप खूब सारे खोलते हुए पानी के अंदर किसी सब्जी को कुछ देर तक डुबें और उसके बाद निकाल लें सो दिस इज कॉल्ड स्टनिंग द वेजिटेबल तो उसको स्टन मतलब ऑर्डिनरी अच्छी भरी सब्जी को एकदम खोलते गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो उस पर जो रिएक्शन होता है एकदम उस रिएक्शन से जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं सब्जी के जो एंजाइम्स हैं नेचुरल एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स रिएक्ट होना बंद कर देते हैं साथ में कई बार इन सब्जियों की यू नो विटाम वगैरह जो होता है वो निकलना भी रुक जाता है और वेस्टेज कम हो जाती है उसकी साथ ही इसका कलर जो है एकदम ब्राइट हो जाता है तो कलर तो हम नहीं देख रहे लेकिन हम अगर टाइम जो इसके सब्जियों के लिए है वो फॉलो करें तो कलर ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाएंगे सो बेसिकली दिस इज इट ये आइडिया है ब्लांचिंग का आप इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हैं इसको सब्जी को लेकर आप उसको uh, सिर्फ यू you नो know, थोड़ा सा तेल डाल के उसको स्टर फ्राई कर सकते हैं उसको ग्रिल कर सकते हैं उसको रोस्ट कर सकते हैं उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह से आगे इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ज़ी वैसे ही कच्ची भी आप उसको रख सकते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत हो जाती है सब्जी के यू नो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग सो आप यहाँ पर इसके बेसिक जो स्टेप्स हैं ब्लांचिंग uh, के इट इज़ अ सिक्स स्टेप एक्टिविटी अब फर्स्ट तो क्या है आपका तैयारी इसमें तैयारी बहुत जरूरी है सबसे पहली चीज आप जो है आइस बाथ बनाएंगे मतलब एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें खूब सारी बर्फ डाल के रखेंगे दूसरा आप एक बर्तन तैयार करेंगे एक भगोना पतीला जो भी आप यूज करना चाहें पॉट हो आपके पास तो हंडी जैसे वो हो तो उसको तैयार करेंगे आप पानी खोलाने के लिए पानी को एकदम बॉयल करने के लिए तीसरी चीज़ आप अपनी सब्जियां तैयार करेंगे चौथी चीज़ आप इसको सब्जी को बॉईल करेंगे पांचवी चीज़ आप सब्जी को ठंडे पानी में एकदम डालेंगे निकालेंगे सुखाएंगे और फ्रीज कर देंगे सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं इसके लिए अब हम इसको जो है कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं पहले तो कि आप कितने तरह की मीडिया है जिससे आप ब्लाचिंग कर सकते हैं दूसरा होगा कि ब्लॉन्चिंग कैसे करते हैं तीसरा होगा ब्लांचिंग में नमक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पानी आपका नमकीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके डूज एंड डोंट्स होंगे और चौथे कुछ सब्जियां जिनके ब्लांचिंग टाइम मैं आपको साथ में बताऊंगी सो फर्स्ट एक्टिविटी इसके तीन तरह की जो ब्लांचिंग मीडिया हैं वो हैं पानी स्टीम और माइक्रोवेव ना पानी के अंदर वेन यू ब्लांच समथिंग इन वॉटर बेसिक आइडिया इज दैट आपका जो है सब्जी अच्छी तरह से पानी के अंदर डूबी होनी चाहिए पानी बहुत गर्म होना चाहिए सब्जी आपकी अच्छी तरह से उसके अंदर डूबी होनी चाहिए अब इसमें अगेन देर आर समय अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च सब जगह यही कहा जाता है कि फॉर वन पाउंड ऑफ वेजिटेबल्स यूनिट वन गैलन ऑफ वाटर विच मीन्स के अपने लीटर्स uh, अपने मेट्रिक सिस्टम में अगर देखा जाए तो लगभग साढ़े चार सौ ग्राम सब्जी को आप साढ़े तीन लीटर पानी में डालेंगे फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट समथिंग की सब्जी का वेट है ग्राम्स में और थ्री पॉइंट सेवन थ्री या कुछ लीटर्स है पानी का तो ये आपका मेजर होना चाहिए अब ये इसका हुआ अब इसमें जो है जब आप पानी आप लॉन्चिंग शुरू करते हैं तो इसमें कई बार क्या होता है जैसे लोग कहते कि पानी का की हंडी बहुत बड़ी होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी हंडी होने से क्या होगा वेस्टेज पानी की भी बहुत होती है सो यू कैन टेक आप जितनी सब्जी ले रहे हैं उस सब्जी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आप मतलब हंडी आप अपना बर्तन ले लें इसको पानी को खौलाने के लिए बिकॉज सर्फेस एरिया कम होगा तो आ, आपकी सब्जी मतलब पानी कम वेस्ट होगा बट एट द सेम टाइम अगर सब्जी ज़्यादा है और सर्फेस एरिया कम है तो वो भी मुश्किल हो सकती है तो आपने रखा पानी खूब सारा अपना जितना भी वन गैलन वाटर साढ़े चार सौ मतलब अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो बेसिकली सब्जी अच्छी तरह से पानी में डूबी होनी चाहिए एंड वो डूबने के बाद में आ, आप उसके अंदर जो भी इसका स्टिप्युलेट टाइम होता है सब्जी का वो स्टिप्युलेटेड टाइम आप लिटरली स्टॉप वॉच पे या अपने फोन के ऊपर उसको रख लें एंड उसको करके आप जैसे ही वो टाइम पूरा होता है उसको आप बंद कर लेंगे सो so, यहाँ पर अभी क्या होगा कि आपने पहले पानी बॉईल किया बॉयल करने के बाद सब्जी जब अंदर डाली तो क्या होगा इमिजिएटली पानी का जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज आपकी सब्जी का टेम्परेचर और आपके पानी के टेम्परेचर में डिफरेंस है ना यहाँ पर आपका पानी और जो बर्तन का जो आपका तालमेल है उस पर डिपेंड करता है बिकॉज आप पास्ता भी जब बनाते हैं तो किस लिए बोलते हैं कि पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए बिकॉज वेन यू पुट इन द वेजिटेबल्स वो पानी का जो है तापमान जो है वो बदल जाता है एंड उससे क्या होगा कि फॉर अ मिनट और सो द टेम्परेचर विल गो डाउन देन द टेम्परेचर हैजू कम अपेन फॉर इट टू रीच दैट सेम लेल ऑफ बॉइलिंग अगेन तो इसका जो रूल है वो ये कहता है कि आप मतलब गर्म उसके बाद पानी सब्जी आपने डाली एक मिनट के इंतजार करिए आपका सब्ज़ी वापस बॉयल होना शुरू हो जाएगा मतलब पानी सब्जी समेत फिर से बॉयल होना शुरू हो जाएगा वेन दैट हैपन्स आप उस टाइम से टाइम अपना मिलाएंगे अगर सब्जी को लेट से एक मिनट आपने आ, ब्लांच करना है तो आफ्टर द वेजिटेबल हैज़ गॉन इन एंड यू वेटेड फॉर अ मिनट बिकॉज पानी वापस उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाए वहाँ से आप एक मिनट गिन के एग्जैक्ट एक मिनट में आप इसको बंद कर लेंगे बंद करते ही आप जो है एक झारा या कोई चम्मच या कोई ले वो लेकर आप सब्जियों को निकाले और आपका जो बर्फ वाला बर्तन पड़ा हुआ है इमिजिएटली उस सब्जी को खोलते हुए पानी से बर्फ के अंदर डालेंगे इसके दो कारण हैं। इसका एक पहला कारण तो ये है क्योंकि सब्जी गर्म पानी में है तो सब्जी गर्म है सब्जी पकती ही रहेगी जब तक उसको उसका पकाना हम लोग खत्म नहीं कर देंगे सो यू इट इन हॉट वाटर इट विल सडनली स्टॉप द कुकिंग ऑफ द वेजिटेबल इमिजिएटली और जो उसका रंग निखरा है जब आप सब्जी डालेंगे हम जो देख सकते हैं उस रंग को देखेंगे कि ये इसका रंग पहले एकदम बहुत ब्राइट हो जाता है सब्जियों का रंग पूरा निखर के आता है तो वो आते ही आप सब्जी को जब बर्फ में डालेंगे तो इमीजिएटली वो रंग एकदम जैसे ना गाढ़ा हो जाता है पकड़ लेता है वो रंग तो वो करने के बाद में जितना टाइम आपने सब्जी को ब्लांच किया है लेट से एक मिनट किसी सब्जी को आपने ब्लांच किया है एक मिनट का ही टाइम वो ठंडे पानी में आपका बर्फ में रहना चाहिए उसके बाद में आप उसको निकालें निकाल के उसको कपड़े में या पेपर टावल में या कुछ करके थोड़ा सा सुखा लें एंड उसके बाद आप उसको लेबल करें जैसे आप स्टोर करना चाहें या यूज़ करना चाहें करें चाहे उसको आप आ, मतलब जिप लॉक बैग्स में डालें या डब्बों में डाल के उसके हवा पूरी अंदर तरह से अंदर से निकाल दें और उसको फिर फ्रिज में या फ्रीज़र में रखें फ्रिज में रखेंगे तो लाजमी है कि आप कुछ दिन यूज़ कर पाएंगे बट पर... अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो काफ़ी काफ़ी देर इसका काम चलता है दिस इज वॉट यू नो वी यूज दिस मेथड टू बेसिकली फ्रीज वेजिटेबल्स एंड सीजन की जो सब्जियां सब्जियाँ से हम लोग सब करते हैं मटर वगैरह है जो सीजन में आते हैं या स्वीट कॉर्न वगैरह जैसा जो अच्छा मिलता है या कुछ बाहर से कोई सब्जी ला देता है जो आप स्टोर करना चाहें तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड एक और चीज़ जो ये ब्लांचिंग से होती है कि सब्जियों के ऊपर हम कितना भी धो लें दे इज ऑलवेज थोड़े थोड़े माइक्रो ऑर्गेजम्स या कुछ इस मेथड से वो भी जो है एकदम साफ हो जाता है सब्जियों को आप छिलके समेत भी कर सकते हैं सब्जियों को आप छील कर भी कर सकते हैं तो ये इस तरह से आप पानी के अंदर करेंगे आप डायरेक्ट पानी के हंडी के अंदर डाल सकते हैं या अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोई कॉलेंडर हो या एक वायर बास्केट जैसे हो तो उसको भी उसके अंदर सब्जियां डाल के उसको भी पानी के अंदर आप डुबो सकते हैं खुला पानी खुला ढक्कन बंद करने की कोई जरूरत नहीं है तो इस तरह से हम पानी यूज करते हैं सब्जियां ब्लांच करने के लिए दूसरी मेथड जो है वो है स्टीमिंग अब स्टीमिंग में क्या होता है हमको पता ही है स्टीमिंग कुछ सब्जियां हैं जो स्टीमिंग से ज़्यादा अच्छी रहती है जैसे कि ब्रोकली है आ, स्वीट पोटेटो है जो क्या कहते हैं शकरकंदी वो है और आ, और एक तो एक तो सब्जियां हैं जो मेरे को एकदम एस्पैरिकस वगैरह है मेरे को एकदम वो ध्यान में नहीं आ रही उस तरह से ये सब्जियां जो हैं कुछ आ, उनको स्टीम करके भी हम यूज़ कर सकते हैं आ, तो इसमें क्या होता है आप वही वायर बास्केट या कोई छन्नी या झारे जैसी चीज़ कोई लेंगे उसको नीचे हंडी के अंदर पानी जो है एक या दो इंच का पानी होगा बिकॉज इसमें आपको सब्जी डुबोनी नहीं है आपको सिर्फ उसकी स्टीम जनरेट करनी है तो आप पानी डाले एक दो इंच वो बास्केट को जो है और लिट, उसके ऊपर ढक्कन अच्छा होना चाहिए आप बास्केट या कुछ जो है कम से कम तीन इंच की दूरी होनी चाहिए पानी से और उसके ऊपर टाइट ढक्कन होना चाहिए तो ये करते ही आप ढक्कन टाइट रखें टाइट उसका ढक्कन बंद करते ही आपका जो है आप देखेंगे कि स्टीम नीचे से वो उस पानी में से भाप उठेगी उस भाप में ये सब्जियां ब्लांच होंगी और इसको बिकॉज यू नो ये सब्जियां स्टीम में ब्लांच हो रही हैं तो इसको अच्छा आइडिया ये है कि एक ही लेयर लगाएं बहुत ज़्यादा सब्जी लेकर ना करें सब्जी को एक ही लेयर में फैलाकर छन्नी में उसको नीचे डालें और इस सब प्रक्रिया में एक बात याद रखें कि गैस आपकी फुल पर ही है गैस आपकी सिंपल नहीं होगी तो इस तरह से करके इसमें भी वही होगा आप वो जितना टाइम सब्जी करनी है वो सब्जी निकालें और सब्जी को एकदम आइस के पानी में डालें आइस के पानी में उतना ही टाइम जितना टाइम आपने उसको लांच किया है उसके बाद सुखाकर आप जो करना चाहें उसके साथ करें तीसरा मेथड है माइक्रोवेविंग अब माइक्रोवेव हम लोग बहुत यूज करते हैं अपनी सब्जियां यू नो ब्लांच करने के लिए बॉयल करने के लिए स्टीम करने के लिए जो भी है हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं लेकिन माइक्रोवेव में ये प्रॉब्लम है कि माइक्रोवेव में जो एंजाइम्स जो इसके जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन बंद नहीं होता तो इतना इफेक्टिव नहीं होता खास करके जो लार्ज क्वांटिटीज में हो तो उससे अच्छा क्या है कि हम छोटी क्वांटिटीज हमको इमिजिएटली अगर यूज़ करनी है तो इस तरह से हम कर सकते हैं अदरवाइज़ इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू माइक्रोवेव एक और तरीका आप अगर पानी डालकर उसको हंडी में डालकर बॉयल करके निकालना अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप एक केटल या कुछ लेकर उसके अंदर एकदम पानी को खोला लें उसके बाद वही पानी लेकर आप एक हीट प्रूफ डिश के अंदर अपनी सब्जी डालें और इसके अंदर वो खोलता हुआ पानी उसके अंदर डाल के उतना ही टाइम रखें जितना टाइम आप सब्जी का जो स्टिपुलेटेड टाइम है वो रखें एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं आपको कि सब्जी ये ब्लांचिंग जो है साइंस किस लिए है क्योंकि इससे अगर आप कम टाइम करेंगे तो सब्जी अच्छे होने की जगह बिगड़ जाएगी उसका रंग निखरने के बजाय बिगड़ जाएगा आप अगर दूसरी तरफ ज़्यादा ब्लांच कर देंगे तो सब्जी जो है वो वहाँ पर भी वो ज़्यादा ओवरकुक हो जाएगी और सब्जी का मेन आइडिया क्या है उसकी न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करना ब्लांचिंग से उसका शेप उसका साइज उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता हमको पकाना नहीं है सब्जी को तो इसलिए ये भी एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है अब हमने बेसिक रूल्स तो इसके देख लिए अब इसके आगे हमको देखना है कि हम इसको किस तरह से पानी कई लोग बोलते हैं कि पानी में नमक डालना अच्छा होता है कई लोग बोलते हैं पानी में नमक डालना अच्छा नहीं होता तो मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि पानी में नमक डालने या ना डालने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन बर्फ के पानी में डालने से बहुत ना डालने से बहुत फर्क होता है आपको अगर लगे कि अरे बर्फ नहीं है चलो ठंडा पानी कर ले बोलते हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने किए वो कहते हैं उसमें बहुत फर्क आता है नमक डालने से ये होता है कि एक तो पानी बहुत नम नमकीन होता है जैसे इट्स वेरी सॉल्टी वाटर थ्री या कुछ का सॉल्ट होता है ऑलमोस्ट सी वाटर की तरह तो उसमें क्या होता है एक तो पानी आपका बॉइलिंग पॉइंट पे जल्दी आएगा सेकेंडली जब आप सब्ज़ी ड्रॉप करेंगे तो एक तो सब्जी के अंदर आ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह वैसे भी ज़्यादा रंगीन हो जाती है नमक में लेकिन इतने नमक में नहीं उसके लिए थोड़ा सा नमक चाहिए होता है तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी सब्जी जो आपने डाली है चाहे वो एक मिनट के लिए हो या डेढ़ मिनट के लिए हो या चार मिनट के लिए हो ये सब्जी नमकीन हो जाती है तो खाने में अच्छी लगती है बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि हम नमक जब भी किसी भी चीज़ में डालते हैं तो क्या होता है उसका आउटर लेयर थोड़ा सा नरम हो जाता है तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा सा लेयर उसका आउटर लेयर जो है नरम हो जाता है तो डिपेंडिंग ऑफ आप क्या करना चाह रहे हैं सब्जी के साथ उस हिसाब से यू कैन मेक अप योर माइंड वेदर नॉट यू वॉन्ट टू यूज सॉल्ट इन दॉटर तो ये बेसिक रूल्स जो हैं इसके ये हैं और हमने देख लिया कि हम किस तरह से ब्लांच करेंगे और ब्लांच नहीं करेंगे ये सब जानकारी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इससे आप कितना कुछ ही कर सकते हैं अपनी सब्जियों को और पहले से ही उसको इससे क्या है कि सब्ज़ी की डिजेनरेशन नहीं होती अब हम फ्रिज में सब्जियां हाँ कहीं रख लेते बीन्स वगैरह रख लेते हैं और देख दे कि हाय सब्जी हमारी जो है यूज़ नहीं हुई लेकिन झुलस गई खराब हो गई आप ये अगर ब्लांच करके अपनी बीन्स वग़ैरह को कैरेट्स को चाहे वो साबुत हो चाहे कटी हो आप उसको प्लांच करके फ्रीजर में रखते हैं तो आप कितने ही दिन बाद क्यों ना यूज़ करें लेकिन आपकी सब्जी की ताजगी बनी रहती है ना एक आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इट्स सो स्ट्रेंज यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज में जो कलनरी टर्म है ब्लाचिंग और जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिटरल टर्म है ब्लांच इसका मतलब एकदम ऑपोजिट है जब हम लोग किसी यू नो सेंटेंस में वर्ड ब्लाच यूज करते हैं तो हम लोग जनरली बोलते हैं द कलर ब्लाच्ड आउट ऑफ हिज फेस मतलब घबराहट से एकदम जैसे वो बोलते हैं ना uh, पीले पड़ गए या सफेद पड़ गए रंग पूरा उड़ गया तो आप सोचो ब्लाच उस तरह से जो यूज होता है वर्ड वो एकदम रंग उड़ाना है और यहाँ पर कुकिंग भी जब हम ब्लांच करते हैं उससे रंग गाढ़ा होता है आप देखिए कितनी कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये और इतनी सी इतने सी एक ही इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हो गई अब मैं आपको कुछ सब्जियाँ बताती हूँ वह सातवें एक और मुझे बात याद आ रही है आ, हम जब पहली बार कॉलेज में प्लानचिंग के बारे में सीख रहे थे अब नए नए स्टूडेंट्स थे और मेरे को आज तक याद है उस टाइम पे हमारा वीडियो वगैरह जो भी था ना सब वो वी हुआ करता था पुराने ज़माने वाला वीडियो टेप्स वाला तो हम लोग अपनी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उसको सब लोग का क्लास थी हमारी तो प्रैक्टिकल या कुछ थी हम लोग बैठ के देख रहे थे तो प्लानचिंग के बारे में जब सबसे पहले आया तो एक फ्रेंच शेफ थे जो हमको किचन में दिखा रहे थे उनका वीडियो चल रहा था टमाटर ब्लांच कर रहे थे वो बड़ा सारा बर्तन था खूब खोलता हुआ पानी था और उन्होंने टमाटर अंदर डाले और उसके बाद उंगलियों पे गिरना शुरू करा एक एक उंगली उठा के गिरना शुरू करा जैसे ही टमाटर ब्लांच होने का टाइम पूरा हुआ उन्होंने अपना हाथ उसी तरह से उंगलियां डाल के अंदर गर्म गरम पानी के अंदर उंगली डाल के उन्होंने टमाटर निकाले हम सब तो एकदम मतलब हक्के पक्के रह गए एंड एक मिनट के लिए एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हा हमको भी ये सब कैसा ही करना पड़ेगा फिर जब देखा कि उन्होंने खास बोला कि प्लीज ये ऐसे काम आप मत कोशिश करिए आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई एम यूज टू एंड आई एम जस्ट शोइंग ऑफ द हम सबको थोड़ी सी तसल्ली मिली देखिए क्या क्या होता है अब कुछ सब्जियाँ और उनके ब्लांचिंग के टाइम पहली सब्जी जो है वो है टमाटर सो फॉर टमाटोस आप क्या करेंगे आप टमाटर की आई की तरफ नहीं नीचे की तरफ आप लोग सब काफी लोग ये जानते ही हैं नीचे की तरफ आप उसमें क्रॉस बनाएंगे चाकू तेज चाकू लेकर उसको एक एक्स बना देंगे और इसको आप पानी के अंदर डालेंगे गर्म खोलते हुए पानी के अंदर डालेंगे इसको ओनली फॉर बिटवीन थर्टी एंड सिक्सटी सेकेंड्स एग्जैक्टली चार से छह टमाटर एक टाइम पर लीजिए पानी उसके अंदर वो आपका तीन गैलन जैसा पानी है आई मीन सॉरी एक गैलन साढ़े तीन लीटर के आसपास पानी है उसको डालें और बर्तन अपना देख लें आप अगर दो टमाटर ही करना चाहते हैं ज़बरदस्ती नहीं कि आपको छह करना है क्योंकि मैं बोल रही हूँ बट आप वो करें एंड गिनती में थर्टी सेकेंड्स टू सिक्सटी सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ़ टमाटो अप टू सेकंड सिक्सटी सकेंड इज नोट अ प्रॉब्लम उसमें क्या होने लग जाएगा कि ऊपर से उसकी छिलका उसका छिलना शुरू हो जाएगा बीच में एक बार एक यू नो स्लॉटेड स्पून झाड़ा या कुछ लेकर उसको एक बार हिला ले ताकि चारों तरफ से पानी उसके ऊपर पड़ जाए फिर उसको इमिजिएटली निकाल कर उसको उस बर्फ में डाल दें बर्फ वाले बर्तन में डालें और उसको एक्जैक्टली exactly वही जितने बिचार आपने तीस सेकेंड किया हो छोटे टमाटर हो तो तीस सेकेंड ही कर लें बड़े और अच्छे मीडियम साइज टमाटर हो तो सिक्स सेकेंड सिक्सटी सेकेंड कर लें अब उसको आप डालेंगे उसके अंदर टमाटर को अंदर डालते ही वो 60 सेकंड्स फिर वेट करिए और आप देखेंगे कि वो छिलका उसका साइड से निकल गया आप उसको निकाल कर पेपर टाल या अपने नैपकिन के ऊपर उसको हाथ सु, से सुखाकर उसको छील लें और आपका टमाटर जो है अब जो भी आप करना चाहें उसके लिए तैयार है दूसरी सब्जी है बीन्स बीन्स रेगुलर जो हम लोग बीन्स यूज करते हैं आ, फ्रेंच बीन्स वगैरह द ब्लांचिंग टाइम फॉर दैट इज थ्री मिनट्स और दयादर बीन्स जो दूसरी मोटी बीन्स हैं अलग वो बीन्स जो हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस साइज में काट रहे हैं उसको छोटी है दो मिनट एंड इफ इट इज मीडियम साइज थ्री मिनट्स अदरवाइज फोर मिनट्स कैरेट्स If you're cutting your carrots into bits, into small bits, then it would be two minutes. If you if you have a big piece of carrot, then it would be five minutes. Aaki, um cabbage श्रेडेड कैबेज अगर है आप उसको ब्लांच करना चाह रहे हैं इट टेक्स ओनली वन एंड हाफ मिनट्स दिस इज द सेम टाइम फॉर अदर ग्रीन्स जैसे पालक वगैरह आप डालें तो द आइडिया ऑफ दीज वेजिटेबल्स स्पेशली जब आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं इट ओनली विल्ट बेसिकली ये सब्जियाँ क्रिस्प होती हैं तो वो पानी में डालते ही वो एकदम ढीली पड़ जाती है तो उसको स्टोर करना आसान होता है सो वन एंड हाफ मिनट्स फॉर श्रेडिड कैबेज वन एंड हाफ मिनट्स फॉर स्पिनिच एंड एनी अदर ग्रीन्स ब्रॉकली ब्रोकली बड़े फ्लारेट्स हैं तो तीन छोटे फ्लारेट्स हैं तो तीन मिनट बिग फ्लारेट्स फाइव मिनट्स इसको स्टीम मेथड से भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया इसको स्टीमिंग मेथड से भी हम यूज़ कर सकते हैं देन गोभी जो है कॉलीफ्लार कॉलीफ्लार इज थ्री मिनट्स और क्या रहा आ, हमारा कैप्सिकम जो स्वीट पेपर्स जिसको बोलते हैं स्वीट पेपर्स आई ऑर कलर्ड पेपर्स एंड थिंग्स लाइक दैट उसको अगर आप हाफ करके कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ तीन मिनट करना है एंड अगर आप उसको uh, क्या बोलते हैं स्लाइसेस या राउंडल्स करके रख रहे हैं तो उसको दो मिनट उसके लिए काफ़ी है देन भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉप या आप उसके अगर अगर उसके कर्नल्स भी निकाल के यूज़ कर रहे हैं या कॉन कॉप छिल मतलब उसके टुकड़े करके अब तीन चार टुकड़े करके आप कर रहे हैं तो चार मिनट काफ़ी है उसके लिए उसके बाद आप अगर उसको भुट्टे को कॉप पे रख रहे हैं तो उसके ऊपर से उसके दाने निकाल कर रख लें या फिर अगर आप वैसे ही दाने निकाल रहे हैं तो भी आप उसको सिर्फ आपको चार मिनट करने की ज़रूरत है अगर भुट्टा बड़ा है और आप बहुत सारे भुट्टे इकट्ठे डाल रहे हैं तो उसमें फिर डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर सात मिनट भी हो सकता है नौ मिनट हो सकता है या ग्यारह मिनट हो सकता है और आ, सबसे आखिर हमारे रेगुलर वेजिटेबल्स में सबसे हमारा फेवरेट जो हमको खासकर बहुत शौक है बचाने का है इज़ मटर मटर भी सिर्फ वन एंड हाफ मिनट्स लगते हैं सिर्फ डेढ़ मिनट आप उसको छिलके समेत भी डाल सकते हैं अपने पास यहाँ पर छिलके उतने अच्छे नहीं आते तो यहाँ तो छिलके समेत डाल सकते हैं या छिलके के बिना डाल सकते हैं ओनली वन एंड हाफ मिनट्स उसके बाद आप निकाल के उसको स्टोर कर लें तो और बहुत सारी सब्जियां हैं बट मैंने सोचा ये मैं निकाल के करती हूँ क्योंकि ये हमारी रेगुलर यूज़ की सब्जियां हैं और इसको हम कभी कभी ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे जब हम लोग करते हैं लोग बैंगन भी स्टोर करते हैं आप सोचो बैंगन को भी ब्लांच करते हैं बैंगन को चार मिनट ब्लांच करना पड़ता है कहते हैं किस तरह से करते हैं मुझे पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया बट आई सपोज है सो दीज आर बेसिकली सम टाइमिंगस दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर वेजिटेबल्स और अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं बहुत सारे और बहुत सारी डिटेल्स और अवेलेबल हैं अलग अलग सब्जियों के अब uh, जैसे मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी कि आप इनके साथ क्या कर सकते हो फ्रीजिंग तो हमने देखी नहीं इन सब्जियों को आप फ्रीज़ कर सकते हैं बाकी आप अगर खाना बना रहे हैं जैसे आप सैलड बनाना चाह रहे हैं जो कि आपका पक्का हुआ नहीं है लेकिन कच्चा भी नहीं है एकदम तो उसको आप हल्का सा ऑलिव ऑयल वगैरह डाल के उसको ड्रिजल करके उसके ऊपर स्पाइसेस वगैरह डालकर आप उसको आ, कोई भी अपना जैसे ग्रिल्ड सब्जियां वगैरह हो उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसको ग्रिल करके अपनी मीट वग़ैरह रोस्ट वगैरह हो उसके साथ अगर आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसी तरह से उसको आ, किसी और भी सब्जी में सिर्फ हल्का जिसमें कुक करना हो उसको आपको कुक कर सकते हैं टमाटर का तो आप कुछ भी कर सकते हैं टमाटर को एक्चुअली ये बहुत अच्छा तरीका है टमाटर को सेव करके रखने का अब ऐसा टमाटर आपने छिलका निकाल लिया आपका टमाटर में खटास कम हो जाती है आपका पिज्ज़ा सॉस ऐसे ही बनता है उसको प्लांच करके काट कर बीच में से बीज भी निकाल देते हैं क्योंकि बीज बहुत खट्टे होते हैं उसके तो बीज भी निकाल के या तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं या फिर उसको आप चाहें तो प्यूरे कर लें और इसको भून के आप उसको रख सकते हैं तैयार अपना पिज्ज़ा सॉस का बेस तैयार करके आप फ्रीजर में रख सकते हैं आप इसको सॉसेस बना सकते हैं इसके साथ अलग अलग किस्म की आप ये डालकर इसके अंदर सूप के लिए आप तैयारी करके इसको रख सकते हैं इसी तरह से साथ में थोड़ी सी गाजर डाल लें बीन्स डाल लें सब इकट्ठा मिक्स करके इसको आप पीस कर रख लें और बाकी बाद में उसको पका लें सो so आप ये सब चीज़ें ब्लांचिंग में आपके बहुत काम आएगी तो आई um, थिंक मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दी आई होप आपको ये पसंद आएगी और आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी डेलीकिंग में खासकर बिकॉज न्यूट्रिशनली ऑल्सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि नहीं आपको सिर्फ रंग देखना है और सिर्फ रंग करके कर सकते हैं हम लोग के लिए तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है क्योंकि इट इज़ सो टाइम बाउंड हमको तो सिर्फ खड़ी देखनी है और उसको उतने में ही बंद कर देना है सो दैट इज़ इट्स इट्स अ वेरी ईजी टेक्निक फॉर अस टू हैंडल तो इस तरह से ब्लांच ज़रूर करिए कोशिश करिए देखिए अपने जो मेरे को आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चन और अपने यू you नो know, जो भी आ, और क्वेरीज हो सब हो मेरे आ, आप आ, सोशल मीडिया पर डालें हमसे सवाल करिए एंड आगे आगे देखते रहिए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी तो हमारा साथ सुनते रहिए और ये सुनने के लिए बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आओ मिलकर खोलें हम खोले के रहस्य आओ मिलकर खोलें हम हसोई के रहस्य आओ मिलकर खोलें हम रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले